ओके तो मैं शुरू कर रही हूं आपका वाक्य से। शुरू करती हूँ पहले, फिर समास करवाती हूँ बच्चे। तो वाक्य जो है बच्चे, वाक्य हमारे तीन प्रकार के वाक्य हैं। आज बच्चे भी मेरे पास वही हैं जो मेरी बात को समझने का, हाँ मेरी बात को समझने की हिम्मत रखते हैं। तो बच्चे मैं वाक्य से शुरू कर रही हूँ। बेटे हमारे जो वाक्य हैं ना, वो रचना के आधार पर वाक्य हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य हैं। तो रचना मीन्स सेंटेंस बना कैसे है, ओके। रचना सेंटेंस बना कैसे है, ये वाक्य मैक्सिममली दो वाक्यों को मिलके बनता है। जैसे मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है। ये वाक्य हैं दो, हमारे पास दो वाक्य हैं। इन दोनों को मिलाकर हमें रचना के आधार पर तीनों वाक्य बनाने हैं। पहले सरल बनाएंगे हम, फिर मिश्र बनाएंगे हम, फिर संयुक्त बनाएंगे। यानी इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी रचना के आधार पर वाक्य करेंगे तो इसमें दो सेंटेंसेस होंगे ही होंगे। चाहे वो सरल वाक्य है तब भी दो सेंटेंसेस होंगे। मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं गया, सरल बनाएंगे। मैं बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया। ठीक है, मिश्र बनाएंगे। जब मैं बीमार था तब मैं स्कूल नहीं गया। संयुक्त बनेगा, मैं बीमार था और स्कूल नहीं गया। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चे, कि हमारा जो वाक्य है वो हमेशा डबल ही होता है। सरल में एक पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, एक काम पहले हो चुका होता है और एक क्रिया प्रधान होती है। मैं बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया, होने के बाद, होने के साथ, इस तरह के वर्ड यूज हो जाते हैं, ठीक है। होने के कारण, मैं बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया। मिश्र में जब तब जो सो ज्यों त्यों, ठीक है। जब मैं बीमार था तब मैं स्कूल नहीं गया, जैसे ही मैं बीमार हुआ वैसे ही मैं स्कूल नहीं गया। संयुक्त में मैं बीमार था और स्कूल नहीं गया। ओके, जब भी आप पहचानेंगे तो इसी तरह से पहचानेंगे, यही सीक्वेंस रखेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। संयुक्त मीन्स दोनों वाक्य जो हैं वो बराबर की वेटेज लिए हुए होते हैं, दोनों वाक्य बराबर होते हैं। मैं बीमार था अपने आप में पूर्ण वाक्य है, और स्कूल नहीं गया अपने आप में भी पूर्ण वाक्य है, ठीक है। और के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब मैं बीमार था तब स्कूल नहीं गया था, वैसे मैं जाता हूं, जब बीमार था तब स्कूल नहीं गया था, एक वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया, इसमें मिक्स हो गए सारे। बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में पेपर आना है, उसमें पूछा जा सकता है रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद होगा जब वाक्य, दोनों ही वाक्य एक जैसी, एक जैसा महत्व लिए हुए हो, एक जैसी गुणवत्ता लिए हुए हो, तो वो होगा संयुक्त वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे पर आधारित होगा तो वो होगा मिश्र वाक्य।
ठीक है, जिसमें एक पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हो रहा हो वो होगा सरल वाक्य। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बात? मेरी बात समझ में आई बच्चे? मुझे रिस्पांस चाहिए आपका। मुझे स्लोली अदर्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग, लेकिन सक्षम क्यों छोड़ गया मुझे समझ नहीं आई। सक्षम क्यों भाग गया मुझे ऐसा समझ में नहीं आया। ओके चलिए आगे हम चल रहे हैं। ये वाक्य हो गया, वाक्य के बारे में क्लियर हो गया। और कुछ पूछना है तो मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में की वाले वाक्य भी मिश्र में आते हैं। ठीक है, मिश्र में की वाले वाक्य भी मिश्र में आते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, की वाले भी मिश्र में आते हैं। आपने ज्वाइन तो कर लिया, जो ज्वाइन करके छोड़ गया दुख तो उसका हो रहा है। और राघव को तो देखो कभी ज्वाइन करना ही नहीं होता, जैसे उसे टाइम ही नहीं मालूम। ओके जी, क्लियर बच्चे? कुछ और पूछना है वाक्य के बारे में तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी। आई गेव यू परमिशन टू अनम्यूट ना। ओके आई हैव गिवन यू द परमिशन टू अनम्यूट यू। ठीक है, कुछ पूछना है तो मैम, एक बार ये थोड़ा सा रिकैप में समझा दो। कौन सा ये जो अभी आपने वाक्य करवाया है, सारा ही मैंने अभी बताया। चलिए सुनिए सुनिए, आगे सॉरी बहुत बता बार दो। करवाया हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग यू, रचना के आधार पर जब वाक्य भेज आते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें मिशन दो वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दो वाक्य आपको डिफरेंट दे दिए, ये वाला मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं गया, दो अलग अलग वाक्य हैं, विधानवाचक वाक्य हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमें सरल भी बनाना है, मिश्र भी बनाना है, संयुक्त भी बनाना है। तो जब हम सरल वाक्य बनाते हैं तो एक पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। वर्ड इज पूर्वकालिक क्रिया, या कालिक मेरा ख्याल बड़ा आएगा, कालिक क्रिया, पूर्व काल की क्रिया। बच्चे पहले हो चुका होता है एक काम, जैसे मैं दूध पीकर स्कूल गया, पीकर पीना पहले हो गया, मैं अमीन काम हो रहा है स्कूल जाने। ठीक है, एक क्रिया पहले हो चुकी होती है। मिश्र में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब मैं बीमार था तब मैं स्कूल नहीं गया, ज्यों ही मैं बीमार था त्यों ही मैं स्कूल नहीं गया। जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो बना लेंगे। तो इसमें अप्रोप्रिएट यही बनता है, जब मैं बीमार था तब मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, मिश्र में एक काम पहले हुआ हुआ होता है और एक काम सॉरी एक वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है बेटा, इसमें मिश्र वाक्य में की वाले सारे वाक्य मिश्र में आते हैं। ओके संयुक्त होता है दोनों ही वाक्यों की एक जैसी वेटेज होती है, एक जैसी इंपॉर्टेंस होती है, और यहाँ किंतु परंतु से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ किंतु परंतु से ये वाक्य जुड़ जाते हैं, योजक चिन्हों से ये वाक्य जुड़ जाते हैं। थोड़ा और डिटेल बताऊं तो दो शब्दों का इस्तेमाल होता है क्योंकि और इसलिए, जो हमेशा गड़बड़ करते हैं। अब इसलिए शब्द मिश्र में भी यूज होता है, संयुक्त में भी यूज होता है। आपको जहां भी आप इस समय पढ़ रहे हैं वहां नोट कर लेने हैं मेरे कहे हुए शब्द। जब क्योंकि और इसलिए दोनों शब्द यूज होंगे तो संयुक्त वाक्य होगा, अकेला इसलिए यूज होगा तो मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, ये आपको अपने पास नोट कर लेने हैं। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, मिश्र वाक्य। क्योंकि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, ये संयुक्त वाक्य। वैसे मैं अक्सर कहती होती हूं कि इन दो शब्दों को टच नहीं करना, ये कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं, इसका मिश्र और संयुक्त आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए यही छूना है।
सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि आपको ऑप्शंस में आना है, ऑप्शंस में आपने जवाब देना है। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, जब ये दोनों होंगे तो संयुक्त होगा, जब अकेला इसलिए होगा तो वो मिश्र होगा। कुछ और पूछना है वाक्य के बारे में? दक्षता के कहने के अनुसार मैंने दोबारा भी करवा दिया। कुछ और पूछना है बेटा? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। शुड वी मूव टू द समास? वैभवी, समास सिर्फ आपके लिए क्योंकि सक्षम तो भाग गया। हाँ जी निष्ठा, क्लियर मैम? समझ आ गया, थैंक यू। ओके बच्चे, तो समास की तरफ चल रहे हैं हम। बहुत बार कर चुके हैं हम समास, फिर भी समास दो या दो से अधिक शब्दों का समूह या पदों का समूह, दो या दो से ज्यादा शब्दों का और पदों का समूह जो है वो समास है। समास मीन्स छोटा करना, संक्षिप्त करना चीज को। जैसे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जो, उसका समास होगा नीलकंठ। ठीक है, समास मीन्स शब्दों को संक्षेप में करना, छोटे में करना। और समस्त पद होता है समास का बड़ा करना, सॉरी समस्त पद भी समास को छोटा करना हो गया। समस्त पद मीन्स खिलरे हुए पद हैं उनको जोड़ दो। ओके, समस्त पद बनाओ। और एक क्वेश्चन आता है समास का विग्रह करें। ये दो ही क्वेश्चन आते हैं, ये दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समास का विग्रह करें से क्लियर हो जाता है कि समास छोटा है, इसे बढ़ा देना है। समास का विग्रह करें, जैसे दिया हुआ है प्रेमातुर, ये समस्त पद है, इसका विग्रह होगा प्रेम में आतुर। आतुर होता है उतावला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक का चिन्ह लगा हुआ है। ये हो गया समास का विग्रह और भेद। ठीक है, अगर आ जाए हमें प्रेम में आतुर, इसका समस्त पद बनाएं और भेद बताएं, तो क्या करेंगे? प्रेम आतुर लिख के तत्पुरुष समास लिखा होगा। ठीक है, अब हर समास में बेटा दो पद होते हैं, समास में हमेशा दो पद होते हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा प्रेमातुर, इसमें दो शब्द हैं, एक है प्रेम और एक है आतुर। ठीक है, दो शब्द हैं, यानी दो पद हैं इसमें, दो पद हैं इसमें। पहले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। हमारी समास की डेफिनेशन इसी पे डिपेंड करती है। ओके, जिस समास का, यानी ये दोनों को पकड़ के ही डेफिनेशन पूरी होनी है। अब मैं पहले छह भेदों के नाम लिखती हूं। हमने किया हुआ है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। बेटे जो जिसके पीछे से आवाज है वो अपने आप को म्यूट कर लो, जिसके फादर बोल रहे हैं पीछे से म्यूट कर लो अपने आप को। कर्मधारय बहुव्रीहि तत्पुरुष अव्ययी, ये छह हमने किए हुए हैं। अब इनकी डेफिनेशन हमें नहीं आती, तो वी विल स्टार्ट डूइंग डेफिनेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब द्वंद्व इसमें और लगता है ना, पाप पुण्य वाला द्वंद्व है। इसमें क्या होता है? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद, पीछे से आवाज अभी भी है बच्चे, मुझे म्यूट करना होगा आपको। पीछे से किसकी आवाज है? सबने म्यूट किया हुआ है, फिर भी आवाज आ रही है मुझे। आप सभी ने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, फिर भी मुझे आवाज आ रही है। चलिए,
क्या करेंगे हम? द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस दिए हुए होते हैं। यानी क्या होता है, इसमें एक माता है और एक पिता है, यानी ना इंपॉर्टेंस उसकी कम ना इंपॉर्टेंस उसकी कम, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, इक्वल महत्व होता है। ठीक है, अब द्विगु होने तो दो पद ही हैं। द्विगु में पहला जो पूर्व पद है ये गिनती वाचक होगा, त्रि फला। इसका पूर्व पद हमेशा गिनती वाला होगा। ठीक है, जैसे चौ रहा, पहला जो पूर्व पद होगा इसका वो गिनती वाला होगा। ठीक है बेटे, दो समझ आ गई। अब हम कर्मधारय की ओर चल रहे हैं। कर्मधारय में एक विशेषण एक विशेष्य, ठीक है, जिसका पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। जैसे हमने अभी लिया नील कंठ, ओके, नील विशेषण नीला, कंठ मीन्स गला विशेष्य, ये हमेशा कर्मधारय समास होगा जिसका पहला हिस्सा जो है वो सॉरी विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। एक विशेषण एक विशेष्य होगा इसमें, ओके। ठीक है, अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद की इंपॉर्टेंस ना उत्तर पद की इंपॉर्टेंस, ये बोलता है कोई तीसरा ही पद, जैसे दशानन। इसमें दो पद हैं, एक है दश एक है आनन। ना दश की इंपॉर्टेंस ना आनन की इंपॉर्टेंस, ये बता रहा है कि ये रावण के बारे में बात हो रही है। दिस इज बहुव्रीहि समास। जैसे एक दंत, अब एक मीन्स सिंगल, काउंटिंग में आ गया, दंत मीन्स दांत, इसको तो यहां चला जाना चाहिए था द्विगु में, लेकिन नहीं, एक दंत किसी का नहीं होता, सिर्फ श्री गणेश का होता है। तो ना एक ना दंत, ये श्री गणेश की ओर इशारा कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, डेफिनेशन। अब तत्पुरुष समास में जिसका पीछे वाला हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंस लिए हुए हो, जैसे अभी मैंने दिया प्रेम आतुर, प्रेम में व्याकुल, हम आतुरता की बात कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंस लिए हुए होता है। पिछला यानी उत्तर पद इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में विग्रह करते हुए बीच में विभक्ति चिन्ह लगता है, कारक का चिन्ह लग जाता है। अब इसमें इस समास में हमने कर लिया कि पीछे वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है, तो इस समास में उल्टा हो जाएगा, इसमें पूर्व पद की इंपॉर्टेंस होगी। जैसे भरपेट, अब पेट तो सबके पास है लेकिन मेरा भरा हुआ है, भरपेट। प्रतिदिन, दिन तो रोज ही होते हैं लेकिन मैं बात कर रहा हूं डेली की। प्रतिदिन ब्रश करता हूं, प्रतिदिन नहाता हूं, प्रतिदिन। ठीक है बेटे, डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? डेफिनेशन क्लियर हुई? यस डेफिनेशन मैम, क्लियर होंगी बच्चे तो मुझे लगता यस है आप आइडेंटिफाई भी आराम से कर पाएंगे, जबकि मैंने जो आपको शुरू से सिखाया हुआ है वो चीज तो आपके साथ ही रहनी है। द्वंद्व मीन्स दोनों लड़ाई करेंगे, माता पिता नहीं बड़ा। द्विगु मीन्स काउंटिंग, कर्मधारय मीन्स एक विशेषण एक विशेष्य, बहुव्रीहि मीन्स किसी तीसरे की बात हो रही है, तत्पुरुष में कारक के चिन्ह आएंगे, अव्ययी भाग में जो मैंने आपको बताए हुए हैं, भर वाले सारे, बे वाले सारे, यथा वाले सारे, आ वाले सारे, रिपीटेड वर्ड्स सारे। ठीक है, ये सारे अव्ययी में आएंगे, नगर नगर, शहर शहर, गली गली, गांव गांव, क्षण क्षण, प्रतिपल, प्रति वाले सारे, प्रति भी इसमें आएगा।
समास के बारे में कुछ और पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल ओपन ओपन ऑफर दे रही हूं मैं अभिषेक, आप जो भी पूछना चाहें आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैम हाँ बोलो। मैम आप हमें आपको थोड़े से वर्ड्स दे दो, हम उनको आइडेंटिफाई करके लिखते हैं फिर। थोड़े से समास दूँ, आप आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, यस मैम। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा समास है? वहां पे तो बेटे एमसीक्यू जब आना यस है, मैम। वहां पे जो एमसीक्यू आना है ना बेटा, वो तो इस तरह आना है कि आपको उलझन में डाला जाएगा। जैसे तत्पुरुष समास का उदाहरण है, नीचे चार उदाहरण दे दिए जाएं और उसमें से आपको एक पहचानना होगा। बेटे समास का विग्रह करो और भेद बताओ तो आप आराम से कर लेंगे। जो आप वर्ड मांग रहे हैं ना वो तो आप आराम से कर लेंगे। ऑप्शंस में जब एमसीक्यू में आता है तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको एक सैंपल पेपर भेजा था, अगर देखा हो तो। किस किसने देखा? जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से ही मुझे बताएं किस किसने वो सैंपल पेपर देखा। एट आर प्रेजेंट। दक्षिता देखा था सैंपल पेपर, वृंदा होपफुली नहीं देखा होगा, वैभवी देखा, वैभवी देखा आपने, यस मैम। देखा था, सॉल्व करने की कोशिश की थी। मैम सॉल्व प्राची, नहीं किए थे बट मैंने देखा था। प्राची कोई रिस्पॉन्स नहीं। निशा, यस मैम देखा था, सॉल्व भी किया था हाफ ओनली। ओके, पलक ओह नो मैम, आज देखूंगी। आज देखती हूँ बेटा, ग्रुप को देख लिया करो थोड़ा सा। रूहानी होपफुली आपने देखा होगा। यस मैम, मैम पर सॉल्व करना रहता है अभी। अच्छा चलिए, जैसिका, जैसिका चलिए, जो नहीं जवाब देना चाहता मुझे जबरदस्ती नहीं पूछना उससे, है ना। मुझे आपको नमोशी नहीं देनी, कोई बात नहीं अगर नहीं किया तो। अभी भी स्टिल वी आर हैविंग टाइम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं तो ठीक है बेटे, ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत है आज के दिन के लिए। थैंक यू।